छपरा शहर में आज हुमन चैन रखी गई है, कोल्हापुर में जो मस्जिद तोड़ी गई है उसको लेकर क्या कहोगे आप? 14 जुलाई को जो घटना घटी है कोल्हापुर में, जो दरगाह में जो घटना घटी है, मैं समझता हूँ कि हमारा महाराष्ट्र एकता और अखंडता की मिसाल थी पूरे देश में, मैं समझता हूँ। लेकिन आज कुछ फिरका परस्त ताकतों ने इस एकता और अखंडता को, इस मोहब्बत को, इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है। अरे कुछ नहीं, ये आने वाले कल का जो विधानसभा चुनाव है, ये सारे विधानसभा चुनाव का जो खेल चल रहा है, क्योंकि आज जो बीजेपी समर्थित जो सरकार है, ये खुला खुला दिख रहा है कि पोलराइज करना चाहती है, हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहती है। लेकिन मैं समझता हूँ, महाराष्ट्र को जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि ये खेल महाराष्ट्र में नहीं हो सकता, हमारी एकता और अखंडता को कोई चोट नहीं पहुँचा सकता इंशाल्लाह।